हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं कि एलआईसी पॉलिसी मैच्योरिटी होने पर आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे उन्हें भी इन सब बातों की जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एलआईसी पॉलिसी से आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं यदि आपका पॉलिसी मैच्योरिटी होता है तो। तो जैसे कि अगर कोई भी पॉलिसी मैच्योरिटी होता है तो एलआईसी अपने सभी पॉलिसी होल्डर को एक लेटर भेजता है और एक नेट फॉर्म भी भेजता है, जिसमें सभी डिटेल्स रहता है कि आपका पॉलिसी मैच्योरिटी होने वाला है, मैच्योरिटी का जो भी डेट है वो वहाँ पर लिखा होता है, आपको कितना पैसा मिलने वाला है ये भी उसी लेटर पर लिखा होता है और पॉलिसी होल्डर का नाम लिखा होता है। उसके बाद जो नेट फॉर्म है नीचे, वहाँ पर आप रेवेन्यू स्टम आपको वहाँ पर चिपकाना होता है, उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर वहाँ पर देना है और उसके साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको उसी लेटर के साथ आपको LIC की जो भी सर्विसिंग ब्रांच है आपका वहाँ पर ये जमा करना पड़ता है और आपका जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है ये आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह आप LIC की जो मैच्योरिटी अमाउंट है इस तरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी लेटर नहीं आता है और आपको इस तरह के लेटर नहीं मिलता है तो फिर भी जैसे कि पॉलिसी जो बॉन्ड है वहाँ पर मैच्योरिटी का डेट लिखा होता है, उसमें आप जो भी मैच्योरिटी का डेट है उसे आप देख सकते हैं और उस डेट से पहले आप LIC की जो भी आपका सर्विसिंग ब्रांच है वहाँ पर जाकर आपको मैच्योरिटी की जो फॉर्म है ये लेना है और मैच्योरिटी के फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी वहाँ पर नेफ्ट मैंडेट फॉर्म है उसे भी फिलअप करें, आपका बैंक डिटेल्स वहाँ पर डालें, आपका पैन कार्ड का डिटेल्स डालें, मोबाइल नंबर डालें, आपका जो नाम है वो वहाँ पर लिखें और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि पैन कार्ड चाहिए और जो आपका बैंक पासबुक है उसका जेरेक्स चाहिए और उसके साथ ही साथ आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है ये ओरिजिनल वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है, जिससे आपका जो भी पैसा ये आपको LIC आपको दे देता है। तो मैच्योरिटी के लिए सबसे पहला है कि आप वेट करें, LIC की जो लेटर है उसमें आप उसे आप फिलअप कर सकते हैं और उसे आप सबमिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, या फिर आप LIC की जो मैच्योरिटी फॉर्म है उसे आप ले सकते हैं और उसे फिलअप करने के बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं LIC के सर्विसिंग ब्रांच में। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ डाउट हो इस वीडियो से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी कोई भी LIC के जो एजेंट है उनसे बात कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट LIC की जो सर्विसिंग ब्रांच है आपका वहाँ पर आप जाकर पूरी बात वहाँ पर आप कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी मैच्योर होने वाला है या फिर कब तक मैच्योर होगा, इस बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उसके बाद आप वहाँ से पूरी डिटेल्स लेने के बाद आप अपनी पॉलिसी को जो भी मतलब प्रोसेस है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं और आपका मैच्योरिटी का जो अमाउंट है ये आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर भी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि कुछ भी डाउट हो आपको, तो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इस जो वीडियो है उस वीडियो में आप कमेंट किया करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो का लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।